उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद की मासिक बैठक एवं ईद मिलन समारोह कार्यक्रम सोमवार को कोषागार कार्यालय परिसर पेंशनर्स भवन मुरादाबाद में संपन्न हुआ। बैठक में सुनील कुमार शर्मा, शीश राम सिंह, मोहम्मद नईम सिद्दीकी एवं मान सिंह को फूलमालाएं पहनाकर उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई तथा सभी परिषद के साथियों को ईद की मुबारकबाद दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शायर जिया जमीर मौजूद रहे। उन्होंने अपने बेहतरीन कलाम से उपस्थित परिषद के सभी सदस्यों को दादो तहसीन देने पर मजबूर कर दिया। शायर जिया जमीर ने अपना कलाम इस अंदाज में पेश किया। उसके घर में कोई आतिशदान नहीं, पशेद में कहां खेलते होंगे इस घर के बच्चे, कहां खेलते होंगे इस घर के बच्चे, आंगन क्या इस घर में तो दालान नहीं, आंगन क्या इस घर में तो दालान नहीं, जाने उसने बात कही थी क्या मुझसे, जाने उसने बात कही थी क्या मुझसे, ऐसा लगा था जिस्म में जैसे जान नहीं, ऐसा लगा था जिस्म में जैसे जान नहीं, और बच्चे को स्कूल के काम की चिंता है, बच्चे को स्कूल के काम की चिंता है, पार्क में है और चेहरे पर मुस्कान नहीं, पार्क में है और चेहरे पर मुस्कान नहीं, इससे ज्यादा और बुरा, इससे ज्यादा और बुरा आप क्या होगा, इससे ज्यादा और बुरा आप क्या होगा, रिश्ता टूटने पर भी हम हैरान नहीं, रिश्ता टूटने पर भी हम हैरान नहीं। और अश्रबंद जर्द पत्ते थे हमें और क्या कर जाना था, जर्द पत्ते थे हमें और क्या कर जाना था, तेज आंधी की मुकाबिल सो बिगड़ जाना था, तेज आंधी की मुकाबिल सो बिगड़ जाना था, क्यों भला कच्चे मकानों का तुम्हें आया ख्याल, क्यों भला कच्चे मकानों का तुम्हें आया ख्याल, तुम तो दरिया थे तुम्हें तेज गुजर जाना था, तुम तो दरिया थे तुम्हें तेज गुजर जाना था, वो न था करके ताल्लुक पे पशेमान। परिषद के पूर्व सचिव रामदत्त द्विवेदी ने भी अपने अंदाज में हम हैं हिंदू तुम मुसलमान दोनों का खून एक है कविता के माध्यम से एकता का संदेश देने का बेहद सराहनीय प्रयास किया। धन सिंह कोषाध्यक्ष ने भी अपनी मधुर वाणी से चंद शेर एवं कविता के द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को हंसने के लिए मजबूर कर दिया। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने आनंद लेते हुए तालियों की धड़धड़ाहट से शायर एवं कवियों का हौसला बढ़ाया। बैठक में परिषद द्वारा सरकार से मांग की गई कि माह जनवरी 2023 से देय महंगाई भत्ते की किस्त का अविलंब भुगतान करने की कार्यवाही की जाए। सदस्यों को कैशलेस कार्ड बनवाने में आ रही कठिनाइयों को भी दूर करने पर विचार विमर्श किया गया। मांग उठाई गई है कि कैशलेस कार्ड बनवाने की जटिल प्रक्रिया को आसान किया जाए ताकि पेंशनर्स को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सक्सेना तथा संचालन सचिव यश कुमार त्यागी ने किया। बैठक एवं ईद मिलन समारोह के विषय में जानकारी देते हुए अध्यक्ष प्रेम प्रकाश सक्सेना ने बताया, आज कार्यक्रम जो हमारे एक तो मासिक बैठक और ईद मिलन समारोह है, इसमें कवि जो है श्री कृष्णकुमार नाथ जी और शायर श्री जमीर जिया जमीर जी जो हैं वो आए हुए होंगे, उनके द्वारा काव्य पाठ किया जा रहा है और जितने भी सम्मानित सदस्य हैं हमारे उनको जो है अपने शायर से जो है लाभ पहुंचाया जा रहा है, वो सब आनंद उठा रहे हैं इसका, ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ जो अगर किसी की कोई समस्या है तो वो जो बताएंगे उसको हम समस्या का निराकरण भी कराएंगे। रामदत्त द्विवेदी जी भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उनने भी अपनी शायरी से जो है सदस्यों को जो है आनंद पहुंचाया है का। इस तरह का कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है। आज कर्मचारियों की क्या क्या समस्याएं सामने आई? इसमें एक कर्मचारी की समस्या है कि उनको 80 वर्ष की आयु हो चुकी है, 85 वर्ष की, उनको जो बढ़ के पेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई है, तो उसके लिए अभी हम संबंधित बाबू से बात करके उसका निराकरण प्रस्ताव करा देंगे। इसके अलावा जो है एक ऐसे हैं जिनका पेंशन में जो गलत निर्धारण वगैरह हो गया उसके लिए भी हम संबंधित बाबू से बात करके उसको सही करवा देंगे। कुछ लंबित मांगे हैं उन पर भी कोई विचार हुआ? अब लंबित मांगों में तो हमारा एक कैशलेस कार्ड का ही है कि जो नहीं बन पा रहे हैं उसको लेके आज हम टीओ साहब से फिर मिलेंगे और टीओ साहब से निवेदन करेंगे कि साहब इसको बनवाने के लिए जो भी सहयोग आपके स्तर से है
वो कर दिया जाए और लखनऊ हम अपने हेडक्वार्टर पे बात करेंगे उनसे इसके निराकरण के लिए कार्रवाई कराने के लिए। बैठक में अजब सिंह चौहान, केके सिंह, कमल कुमार, एमपी माथुर, विजय कुमार सक्सेना, रामप्रसाद सिंह, विजयपाल सिंह, सीपी सक्सेना, रामचंद्र, विक्रम सिंह, उमाशंकर शर्मा, बाबूराम शर्मा, लल्लू सिंह एवं श्रीराम आदि पेंशनर्स मौजूद रहे।